गुड़ का इतिहास काफी पुराना है। गुड़ के गुणों की चर्चा तो आयुर्वेद में भी है, क्योंकि इसे एक औषधि माना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़ के गुणों को देखते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा गुड़ उत्पादक किसान सम्मिलित हुए। गुड़ महोत्सव में अयोध्या के एक किसान ने अपने उत्पाद में कुछ विशेष औषधियों को सम्मिलित करते हुए ऐसा गुड़ बनाया जिसकी कीमत 6,000 रुपए किलो तक है। हमारे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने किसी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और हम फ्लेवर गुड़ बनाते हैं। जैसे गुड़ गुलाब है, गुड़ सौंफ है, गुड़ इलायची है, गुड़ स्ट्रॉबेरी है, गुड़ आपका जो है चॉकलेट है। आपका हमने आयुर्वेद के साथ हमने एक नया प्रयोग शुरू किया, जैसे आपका मेमोरी बूस्टर के लिए गुड़ आपका संकुचवी ब्राह्मी मिला के हमने किया हुआ है, और डिप्रेशन और निद्रा के लिए सरगंधा को मिक्स करके मंत्रम करके गुड़ बनाया हुआ है। स्ट्रांग बॉडी मसल्स के लिए महाबली, जिसमें आपका असुगंधा हो गया, सतावर हो गया, बबुल की गोंद हो गई, लोध पठानी हो गया, इसका प्रयोग है। और एक हमारा है आनंदम, तो चर्चा का भी विषय है। इसमें हम जड़ी बूटियाँ मिला रहे हैं, सौपास मिला रहे हैं, रजत बस मिला रहे हैं, बसबस मिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और आप इसको देसी की गाय के देसी की से हम इसको निर्मित कर रहे हैं। ये कैसे किलो है? ये 6,000 रुपये किलो जो आनंदम है जी। सबसे महंगा गुड़ है जी, 200 रुपये से लेके हमारे पास 6,000 रुपये तक के मिले। टेस्ट तो ठीक है, तो जो चीज़ बता रहे हैं और चीज़ को जो प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकता है भाई, व्यापार है, व्यापार में कुछ बताते ये चीज़ मिलाया, ये चीज़ किया है, और उसका जब तक पूरा कंप्लायंस ना हो तो क्या उसके आगे लग सकता है। तो गुड़ के रूप में आपने 6,000 रुपये किलो गुड़ सुना था? कभी नहीं, फिलहाल तो नहीं सुना है, बस सुन रहे हैं। 2-3 बार पेपर में पढ़ चुके हैं, सहारनपुर के प्रोडक्टर था, उन्होंने भी बता दिया है, संजय सैनी ने पेपर में आया भी था, ये सब चीज़ों का तो समय बदल रहा है, समय के हिसाब से अच्छी बिजनेस हो रही है, तो उसके हिसाब से अपना प्रयोग किया जा रहा है। तो ये गुड़ महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? गुड़ महोत्सव एक सरकार की अच्छी पहल है, जिससे नए युवा उद्यमियों को जो है काम करने का मौका मिलेगा, और ये अच्छा एक साहसी कदम है सरकार का। इस गुड़ को खास औषधि स्वर्ण भस्म के साथ मिलकर बनाया गया है, जो हृदय रोग, खून की कमी, लीवर, किडनी जैसे रोगों के लिए काफी गुणकारी है। ये हैं वो हमारी स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा लाभदायक है, और गुड़ जो है कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का प्राकृतिक बहुत अच्छा स्रोत है। नित्य प्रतिदिन अगर गुड़ का इस्तेमाल हम अपनी दिनचर्या के करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद, और जो है हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर जो है उसको इम्प्रूव करता है। गुड़ का दैनिक उपयोग हम लोग जो है रोजाना घर में अपने खाने में अपने भोजन के बाद जो है करते हैं। भोजन के बाद अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसके भोजन के उपरांत इसका उपयोग करने से पाचन प्रॉपर रहता है और कब्ज आदि की शिकायत भी नहीं रहती है। गुड़ को, उत्तर प्रदेश के गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और यहाँ के गुड़ उत्पादकों के लिए बेहतरीन मार्केट तैयार करना और मार्केट का गुड़ उत्पादक का आपस में संपर्क कराना, यही इस गुड़ महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य था। और मैं कह सकता हूँ आज गुड़ महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश का गुड़ दुनिया के बाजारों में धूम मचा रहा है। ऑडियो के माध्यम से मुजफ्फरनगर हो, यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, अयोध्या हो, तीनों जनपदों का ऑडियो के माध्यम से सॉन्ग लेके आई हूँ मैंने मुख्यमंत्री से बहुत पहले किया था, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। रियलिटी शोज की तैयारी कर रही हूँ कारण, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा गाना किसान की आय बढ़ रही है। लगातार सस्ता गुड़ भी है, महंगा गुड़ भी है, विभिन्न वैरायटी का है, आंवले का है और तमाम चीज़ों का है, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट के साथ बनाया गया है, विभिन्न फ्लेवर के साथ। और गुड़ तो हमारी आयुर्वेदिक औषधि है, चाहे त्वचा रोग हो, चाहे स्किन का रोग हो, चाहे खून की कमी हो, और महिलाओं के लिए विशेषकर एक जबरदस्त भूमिका में गुड़ का उपयोग रहता है, और मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में हम इसे निरंतर रखेंगे, बहुत शानदार प्रयास है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।